हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे फॉर पावर ऑफ टू। तो एक लैंग्वेज दिया हुआ है 0 to the power 2 to the power n, वेयर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इनपुट स्ट्रिंग इससे कैसा बनेगा? यदि n का वैल्यू 0 है तो क्या होगा? वैल्यू ओनली 0। n का वैल्यू 1 होगा तो 0 0, n का वैल्यू 2 होगा तो 4 0, n का वैल्यू 3 होगा तो 8 0। इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है पावर ऑफ टू के फॉर्मेट में है। सो पावर ऑफ टू क्या होता है? 1 2 4 8 16। फ्रेंड्स, दिस इज रियली अ वंडरफुल प्रॉब्लम। सो यू कैन डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस प्रॉब्लम। आपको पता है कि इस लैंग्वेज का DFA डिजाइन नहीं किया जा सकता। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करें कि ट्यूरिंग मशीन कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पावर ऑफ टू को रिकॉग्नाइज करने का जो मेन इसका जो लॉजिक है इस प्रकार से है कि जैसे ट्यूरिंग मशीन को फर्स्ट जीरो मिलेगा उसे ब्लैंक से रिप्रेजेंट करेगा, आफ्टर दैट हर जीरो को एक दूसरे सिंबल में कन्वर्ट करेगा और नेक्स्ट जीरो को स्किप करेगा, उसके बाद फिर से कन्वर्ट करेगा, उसके बाद स्किप करेगा। मतलब क्या है कि हर इटरेशन में हमारा इनिशियली कितना नंबर ऑफ जीरो है? 8। सो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन नंबर ऑफ जीरो विल बी हाफ। सो नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो 4, एंड नेक्स्ट इटरेशन में 2, एंड एट लास्ट 1। यहाँ पे मैंने जो बोला कि फर्स्ट जीरो को ब्लैंक से कन्वर्ट किया गया, क्योंकि हमें पता है कि एट लास्ट हमें नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, इससे हाफ हम कर नहीं सकते हैं। सो ब्लैंक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, मतलब लास्ट में जो 1 आएगा उसको। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो 4 हमने किया इसमें 3 जीरोस प्लस ब्लैंक है, यहाँ पे 1 जीरोस प्लस ब्लैंक है। अब हम लोग लॉजिक को देखते हैं कि रीड राइट हेड मूवमेंट हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ इस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग से, उसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया। मैंने बोला कि उसके बाद हर अल्टरनेट जीरो को स्किप करता चला जाएगा और मशीन को जब ब्लैंक मिलेगा तो वहाँ से फिर रीड राइट हेड मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। सो हम लोग फर्स्ट इटरेशन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो जैसे ही फर्स्ट जीरो मिलता है इसको किसी दूसरे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और राइट करेंगे। सपोज दैट आप इसे एक्स में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन यू। सो सपोज यहाँ पे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद क्या बोला मैं कि हर जीरो को स्किप करता है। सो दिस विल बी रिटन बाई एक्स, एक्स एंड दिस विल बी स्किप एंड रिटन बाई एक्स, एंड फाइनली मशीन विल रीड ब्लैंक सिंबल एंड वंस अगेन रीड राइट हेड मूवमेंट विल स्टार्ट स्किपिंग ऑल द एक्स एंड जीरो एंड इट विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन एज मशीन विल स्कैन ब्लैंक सिंबल। सो यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो हाफ हुआ है या नहीं। इनिशियली हमारे पास 8 जीरोस था, अब क्या बोला मैंने कि 4 जीरो जो होंगे, मतलब 3 जीरो एंड 1 ब्लैंक। सो 1 2 एंड 3 जीरोस एंड 1 ब्लैंक, सो 4। सो नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेगा ये कि ये ब्लैंक है आगे बढ़ेगा, एक्स है उसको स्किप करेगा और फिर से सेम प्रोसेस, मतलब कि जो जीरो था उसे एक्स में कन्वर्ट करेगा, इसको स्किप करेगा, इसे भी स्किप करेगा क्योंकि अल्टरनेट जीरोस को राइट करेगा। सो नेक्स्ट जीरो विल बी आल्सो रिटन बाय एक्स एंड मशीन और रीड राइट मूवमेंट विल रीड ब्लैंक एंड वंस अगेन इट विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर इटरेशन 2 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 जीरोस एंड 1 ब्लैंक, सो 2। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर से ब्लैंक पे आएगा एंड फिर से वही काम स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, इसे हम लोग एक काउंटर एग्जांपल लेकर के भी समझेंगे थोड़ा बाद में। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन फॉर पावर ऑफ टू। अब इसको हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम फॉर पावर ऑफ टू। सपोज दैट क्यू नॉट इज आवर इनिशियल स्टेट्स, एज आई टोल्ड इट विल रीड जीरो एंड इट विल राइट बाई ब्लैंक एंड मूव टू अनदर स्टेट क्यू वन। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जैसे ही इसे फर्स्ट जीरो मिलेगा उसे एक दूसरे सिंबल से राइट करेगा, सपोज ये एक्स राइट किया एंड मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज क्यू टू। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक जीरो को स्किप करना है एंड देन अनदर जीरो को एक्स से राइट करना है। सो जस्ट स्किप जीरो बाय जीरो एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड रीच टू अनदर स्टेट क्यू थ्री एंड दिस इज। सो एक बार जीरो को स्किप किया, सो दूसरे बार में क्या करेगा? एक से राइट करेगा। सो इस तरीके से अल्टरनेट जीरो को स्किप करता चला जाएगा। अब हम लोग एक
एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो टू टू द पावर एन के फॉर्मेट में नहीं हो. सपोज दैट 30 फॉलोड बाई ब्लैंक. सो फर्स्ट जीरो विल बी रिप्लेस्ड बाई ब्लैंक. देन नेक्स्ट जीरो इज एक्स एंड देन जीरो इज नोट चेंज एंड देन मूविंग टू द क्यू थ्री. सो इसका मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ यदि जीरोस है फिर क्यू थ्री पे जाएगा. यहाँ पे यदि ब्लैंक मिलता है तो कहने का मतलब है कि रिजेक्ट करेगा. यदि इस स्टेट पे ब्लैंक मिलता है, सपोज दैट ब्लैंक को ब्लैंक किया और मशीन हॉल्ट करेगा और ये रिजेक्ट कर देगा. इसी प्रकार से हम लोग पांच जीरो को भी देख सकते थे. सपोज दैट 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट जीरो को ब्लैंक बनाया, नेक्स्ट जीरो को एक्स किया, जीरो को स्किप किया, वन सेकेंड जीरो को एक्स किया एंड इस स्टेट पे आया. सो क्यू टू टू क्यू थ्री, वन सेकेंड क्यू थ्री पे आया एंड ब्लैंक. सो यहाँ पे भी क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा. चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं. अल्टरनेट जीरो को स्किप करने के बाद और ये लास्ट तक कहाँ पहुँचेगा, ब्लैंक सिंबल पे. तो सपोज दैट इस स्टेट पे पहुँचने के बाद इसे ब्लैंक सिंबल मिला और कैपिटल बी. सो इसको रिप्लेस करेगा बी से एंड मूवमेंट क्या हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में. एंड सपोज दिस इज क्यू फोर स्टेट्स. उसके बाद अब क्या करना क्या है, रीड राइट हेड है, उसका मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा. तो एवरी जीरो विल बी स्किप्ड एंड मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. इसमें क्या है, एक्स भी आएगा. सो एक्स विल बी ऑल्सो स्किप्ड एंड मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन. यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लेफ्ट मूवमेंट लिए, एक्स आ सकता है, जीरो आ सकता है और तब तक हम लोग आएंगे जब तक ये ब्लैंक नहीं मिलेगा. सो अब इस स्टेट से जैसे ही ब्लैंक मिलता है तो हम लोग क्यू वन पे पहुँचेंगे. सपोज दैट ये हमारा क्या था, ब्लैंक, ब्लैंक मिलने पे एंड अब मूव किधर करेगा, राइट डायरेक्शन में और सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा. अब क्यू टू पे हम यहाँ जब देख सकते थे कि क्यू टू पे क्या होगा, अब फर्स्ट एक्स इसको स्किप करेगा एंड देन जीरो को फिर एक्स से राइट करेगा. इसका मतलब है कि फर्स्ट जीरो को एक्स किया, उसके बाद बहुत सारे एक्स मिल सकता है, उसे स्किप करेगा. सो एक्स विल बी स्किप्ड एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और अल्टरनेट जीरो को स्किप करने के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई होगा और इस तरह से फिर से क्यू फोर पे मूव करेगा एंड देन इट विल कम बैक टू क्यू वन. एंड क्यू वन पे हो सकता है कि फर्स्ट जीरो या हियर यू कैन ऑल्सो स्किप एक्स एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे हम लोग ध्यान दें कि जीरो से जीरो को स्किप करने के बाद जीरो, ये हो सकता है कि जीरो के बाद एक्स हो, उसको भी हमें स्किप करना पड़ेगा. सो एक्स विल बी स्किप्ड बाई एक्स एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड फाइनली ऑल द जीरोस विल बी रिप्लेस्ड बाई एक्स. सो टू टू द पावर एन के फॉर्मेट में होगा तो लास्ट जीरो को एक्स से रिप्लेस करने के बाद क्यू टू. उसके बाद सपोज दैट ऑल जीरो कंज्यूम हुआ तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, ब्लैंक सिंबल. सो ब्लैंक सिंबल के साथ कहाँ जाएगा, क्यू फोर पे. क्यू फोर के बाद फिर से एंड मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ऑल जीरो एंड ऑल एक्स विल बी स्किप्ड. अब जीरो हमारे पास है नहीं, सो ऑल एक्स विल बी स्किप्ड. सो फाइनली मशीन विल गेट ब्लैंक और ब्लैंक जब मिलेगा तो कहाँ जाएगा, क्यू वन पे. अब हम देख चुके हैं कि एक्स सिर्फ एक्स है, अब क्या होगा, सिर्फ एक्स है. सो इनफाइनाइट टेप में ऑलवेज वी विल गेट एक्स. सो ऑल द एक्स विल बी स्किप्ड ऑन क्यू वन स्टेट एंड व्हाट वी आर गेटिंग, फाइनली बी. या सो ऑल द एक्स विल बी स्किप्ड एंड फाइनली वी आर गेटिंग बी. सो अब हम लोग जब बी हमें मिलेगा इसका मतलब है कि मशीन विल वंस अगेन हॉल्ट एंड इट विल मूव टू द फाइनल स्टेट. सो ये है पावर ऑफ टू के लिए ट्रांजिशन डायग्राम. इसका ट्रांजिशन टेबल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ.